मैं अभी भी कहता हूँ प्रताप मान जाओ, किसी डॉक्टर से दिखा लेना सही होगा, मुझे आज्ञा दो तो मैं अभी डॉक्टर बुलाऊं दूं। राजेश ये तुमसे नहीं होगा, लाओ जाको मुझे दो, मैं खुद गोली निकालूंगा, तुम बड़ी बुजदिल हो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि गोली अंदर तक धंसी है और इसका इलाज हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते, कहीं गोली का जहर फैल गया तो। खैर मैं कोशिश करता हूँ। होना क्या है, अधिक से अधिक तो टांगे दे काटनी होगी, कहीं तो जान तो नहीं जाएगी। लो और रामप्रसाद को कुछ पता चला, 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। नहीं उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ इतना पता चला है कि अपने अभियान में सफल रहे हैं, पुल उड़ चुका है। हाँ पुल उड़ चुका है, फिर भी मुझे फिक्र हो रहा है उसे फिरोज और रामप्रसाद की तरह भी। डरने से क्या होगा, हम क्रांतिकारियों की जिंदगी तो पानी की बुलबुलों की तरह होती है, कब बैठ जाए कोई नहीं कह सकता। सुरेश ये हो सकता है, उसे सारे की जरूरत हो, मैं जा रहा हूँ। रुको पागल हो गए हो, बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं, जब से फूल उड़ा है अंग्रेज अफसर पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। फिरोज कहीं बचा नहीं, मेरे ख्याल से चंबल के बीच को और भाग गए होंगे। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। तुम कौन हो? मेरा नाम विजय है, मनोजी सिंह का बेटा हूँ। प्रताप भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। आप विजय बाबू मुझसे बोलो, क्या बात है? एक बुरी खबर लाया हूँ। कैसी बुरी बुरी खबर विजय बाबू, मुझे बताओ क्या बुरी खबर है विजय बाबू? फिरोज फिरोज राम प्रसाद। क्या हुआ फिरोज राम प्रसाद को, बताओ विजय बाबू बताओ। वो दोनों सही जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। बोल दो विजय बाबू ये सब झूठ है। सच को झूठ कैसे कहते प्रताप भैया? मुझे अभी अभी पता चला है कि पुल उठाते समय राम प्रसाद मारा गया और फिरोज पकड़ लिया गया था। माइकल ने हल्कर से मार मार के उसके जहरे ले ली, उसके घाव पर नमक मिर्च लगाया गया, उसे पानी के लिए तरसाया गया, उसने तरफ तरफ की अपने जान दे दी, लेकिन वो नहीं खोला। ऐसा नहीं हो सकता। फिरोज माइकल अंदर, माइकल तुमने फिरोज को तरफा तरफा के मारा, उसमें घाव पर नमक और मिर्च लगाया, तुम्हें उसके बदला मैं तुमसे खून के बदला खून से लूंगा। माइकल मैं आ रहा हूँ। मर गया, कौन कहता है मर गया, सोच तो है कि उम्र हो गया, ईगो ईगो तक उनको पूछा जाएगा, काश ऐसी मौत हम सबको मिलती।